Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. As I told you that we have done the pairs of words that are in your book, English B workbook, page 10. पे जो आपके pairs of words हैं वो मैंने आपको सुबह की क्लास में explain किए थे. वो आपको मैंने उनके meanings बताए थे सारे और उनका आपस का फ़र्क बताया था. बिकॉज द वर्ड्स दैट आर केप्ट इन अ पेयर, वाई आर दे केप्ट इन पेयर, वॉट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन देम, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बताई थी. अब हम लोग उन्हीं पेयर्स ऑफ वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे. जो बच्चे मेरे साथ क्लास में सुबह नहीं थे ड्यू टू एनी रीज़न, वो मेरी बात गौर से सुन लें. उन्होंने क्या करना है, अब मैं हम लोग जैसे ही इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो मैं इन तमाम वर्ड्स की मीनिंग्स आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करती रहूँगी. यानी जो सुबह का अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, आप अब इसको गौर से सुने, इनके मीनिंग्स को गौर से सुने और उनके सेंटेंसेस बनाएं मेरे साथ, ठीक है बेटे? तो अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो डोंट वरी, वी आर स्टिल डूइंग द सेम टॉपिक. अभी भी हम वही टॉपिक कर रहे हैं. सुबह मैंने कोई रिटन वर्क नहीं करवाया, सिर्फ एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना? तो अभी आप मेरे साथ ये रिटन वर्क करें. दिस इज पेज नंबर आपकी इंग्लिश बी की वर्कबुक में बेटा आपने खोलना है पेज नंबर 15. टर्न टू पेज 15 ऑल ऑफ यू. ये आपकी बुक में पेज नंबर 15 है बेटा. सबसे पहले इसके ऊपर आज की डेट डालें. टुडे इज अप्रैल 20, 2021. अप्रैल 20, 2021 डेट डालें और उसके बाद हम लोग इन तमाम वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, नंबर वन, अफेक्ट. अफेक्ट का मतलब होता है असर करना, असर डालना, ठीक है? सेंटेंस देखें, द एक्सीडेंट अफेक्टेड हिज हेल्थ बैडली. यानी एक्सीडेंट जो है उसने उसकी सेहत पे बहुत बुरा असर डाला. अफेक्ट, ए वाला अफेक्ट जो ए से स्टार्ट होता है वो वर्ब होता है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमने अफेक्ट ये वर्ड था लेकिन हमने ईडी लगा के उसकी सेकंड फॉर्म लगा ली. कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, आप सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द वर्ड इज़ वर्ब. अफेक्ट एक वर्ब है, असर डालना. द एक्सीडेंट अफेक्टेड हिज हेल्थ बैडली. मेरे साथ साथ लिखते जाएं बेटे, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने साथ साथ लिखना है बेटा. द एक्सीडेंट अफेक्टेड हिज हेल्थ बैडली. इस पेयर में दूसरा वर्ड है इफेक्ट. इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है असर. ये नाउन है. द इंसिडेंट हैड अ बैड इफेक्ट ऑन हर मेंटल हेल्थ. इस वाक्य का एक बुरा असर था उसकी दिमागी सेहत पर. इस वाक्य का एक बुरा असर हुआ उसकी दिमागी सेहत पे, मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत. द इंसिडेंट हैड अ बैड इफेक्ट ऑन हर मेंटल हेल्थ. नंबर थ्री, एडवाइस. ए डी वी आई सी ई, एडवाइस, नसीहत. ए डी वी आई सी ई, एडवाइस, नसीहत. आई ट्राइड टू एक्ट अपॉन माई टीचर्स एडवाइसेस टू पास द एग्जाम. मैंने अपनी टीचर की नसीहत पर अमल करने की कोशिश की ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं. आई ट्राइड टू एक्ट अपॉन
माई टीचर्स एडवाइसेस टू पास द एग्जाम. ठीक है जी. इसके बाद देखें बेटे नंबर फोर, देखें एडवाइस, ADVISE एडवाइस, नसीहत करना, ये एक वर्ब है. माई मॉम एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एंड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज. मेरी माँ ने मुझे नसीहत की कि हम मेहनत करें और हमेशा सच बोल. माई मॉम एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एंड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज. ठीक है. नंबर फाइव देखें बेटे, नंबर फाइव है ऑल्टर. ऑल्टर का मतलब क्या है? तब्दील करना, बदलना, चेंजेस करना, उसमें तब्दीली, किसी चीज़ में तब्दीली लाना. ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर. बैड वेदर फोर्स्ड अस टू ऑल्टर आवर पिकनिक प्लान. बैड वेदर forced us to alter our picnic plan. खराब मौसम ने हमें मजबूर कर दिया कि हम अपना पिकनिक प्लान बदल दें. Bad weather forced us to alter our picnic plan. इसके बाद दूसरा वर्ड है alter. इसकी मीनिंग क्या बताए थे मैंने? कुर्बान गा, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवरों को ज़िबा किया जाता है उसे ऑल्टर कहते हैं. ठीक है. ऑल्टर, एनिमल्स वर ब्रॉट टू द ऑल्टर एट नाइट एंड स्लॉटर्ड नेक्स्ट डे. यानी जानवरों को रात के वक्त ऑल्टर कुर्बानगाह में लाया गया एंड स्लॉटर्ड नेक्स्ट डे, और अगले दिन ज़िबा कर दिया गया. Animals were brought to the altar at night and slaughtered next day. ठीक है बेटे. नंबर सेवन देखें, altogether. अच्छा, altogether दो तरह के हैं. एक altogether कौन सा है? जिसमें सिंगल एल आया हुआ है और इस सिंगल एल के साथ altogether एक साथ लिखा गया है एज अ सिंगल वर्ड, एक पूरा एक सिंगल वर्ड है. इसका मतलब होता है मजमूई तौर पर, टोटल, कुल मिला के. ठीक है. तो क्या है? द इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉबरी वॉज ऑल टुगेदर फेक. यानी डाके के बारे में, रॉबरी के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो टोटली झूठ थी. फेक, झूठ, गलत. द इंफॉर्मेशन About the robbery was altogether fake. दूसरा altogether देखें, double L वाला. All अलहदा लिखा हुआ, together अलहदा लिखा है. इसका मतलब क्या होता है? इकट्ठे. और ये ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ पर हम लोगों का जिक्र कर रहे होते हैं. ठीक है. When we are talking about people, like children, like students, like friends, तो वहाँ पर ये वाला altogether use होता है, double L वाला altogether, इकट्ठे. The students were going to attend the seminar all together. देख सकते हैं आपके all अलहदा लिखा हुआ है, together अलहदा लिखा हुआ है. The students were going to attend the seminar all together. The students were going to attend the seminar all together. Number 9 dekhe, angels. Spellings dekhe, ANGELS. Angels ka matlab kya hai? Farishte. Angels means farishte. Angels are always busy in worshipping the God. Worshipping, ibadat. Angels are always busy
फरिश्ते हर वक्त मसरूफ रहते हैं इन वर्शिपिंग द गॉड, अल्लाह की इबादत में. एंजल्स आर ऑलवेज बिजी इन वर्शिपिंग द गॉड. ठीक है, और इसमें दूसरा वर्ड है एंगल्स. एंगल्स क्या है? जाविया, जो एंगल्स जो आप लोग अपने उसमें बनाते हैं वो एंगल होते हैं. द रोड्स मीट एट द कॉर्नर. जब से देखें एक रोड खत्म हो रहा है दूसरा रोड शुरू हो रहा है, तो वो जो कॉर्नर बना है एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 degrees, यानी दो रोड्स कॉर्नर पे एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक एंगल बन रहा है किस चीज़ का, कितने डिग्रीज का, 60 degrees. द रोड्स मीट एट द कॉर्नर एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 degrees. चले अब मुझे बताएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये वाले 10 sentences कर लिए हैं. रेज योर हैंड्स ऑल दोज हु हैव कंप्लीटेड. मैं आप लोगों को ऊपर से ये फिर से दिखा देती हूँ ताकि अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कंप्लीट कर लें. हाँ जी बेटे अहमद शहबाज, बेटे आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ? हो गया, अच्छा, वेरी गुड. व्हाट अबाउट द अदर्स? रायान सिद्दीकी, अमार रहमान. बेटे आप लोग हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करूंगी. अनाया खालिक, अरूज समनान, आयान भट्ट, सफवान, मानूर जुल्फिकार. आपका हो गया, वेरी गुड. अच्छा भाई, मेहरीन वकास, बेटे हैंड्स रेज करें जिसका ये काम कंप्लीट हो गया है. सहर, जैनब नसीर का भी हो गया, अच्छा जी. मेहरीन वकास, बेटे आपको क्या प्रॉब्लम हुई, आपका काम क्यों नहीं हुआ अब तक? इब्राहिम उस्मान, चलो बेटे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 पे देखें बेटा, आपकी एक्सरसाइज नंबर 11 है. बेल, बेल मैंने आपको बताया था, बेल का मतलब होता है लार्ज बंडल, बड़ा सा जो गट्ठा होता है, जैसे आम तौर पे ट्रक्स पे जो बड़े बड़े गट्ठे लोड हुए होते हैं पेपर्स के, कपड़े के, सब्जियों के, शुगर केन के, आपने देखा बड़े बड़े होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के बड़े बड़े बंडल्स उसके ऊपर लोड हुए होते हैं. अच्छा, बेल का मतलब होता है लार्ज बंडल, बड़ा सा गट्ठा. द बेल्स ऑफ पेपर वर लोडेड इन द ट्रक एंड टेकन टू द अदर सिटी. यानी पेपर के बड़े बड़े बंडल को, बंडल्स जो हैं वो ट्रक के ऊपर लोड किए गए एंड टेकन टू द अदर सिटी, और दूसरे शहर ले जाए गए. ठीक है, द बेल्स ऑफ पेपर वर लोडेड इन द ट्रक एंड टेकन टू द अदर सिटी. हो गया. इसके बाद देखिए बेटा, बेल, BAIL, बेल, इसकी मीनिंग मैंने आपको बताए थे, जमानत. जमानत गारंटी, यानी अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके जानने वाले किस तरह उसकी गारंटी देते हैं, तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है टेम्परेरीली. बेल, BAIL, द बेल एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड. जमानत की दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई. सो द थीफ वॉज टेकन टू द जेल. बेल एप्लीकेशन क्योंकि रिजेक्ट हो गई थी, इसलिए जो थीफ था, चोर, उसे जेल ले जाया गया. चलो
ठीक है, नंबर 13 देखें, बेयर, BARE, बेयर मीन्स अनकवर्ड, बगैर ढकावा। सेंटेंस देखें, बी केयरफुल द वायर्स आर बेयर, यानी एहतियात करो क्योंकि जो तारे हैं, वायर्स हैं, वो अनकवर्ड है। आपने देखा है ना, जो वायर्स होती हैं उसके ऊपर एक वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है ताकि अगर आप वायर को बाय मिस्टेक पकड़ भी लें तो आपको करंट ना लगे। लेकिन अगर इस प्लास्टिक की कवरिंग को रिमूव किया जाए तो आपको पता चलता है कि अंदर मेटल की वायर जा रही होती है जिसमें करंट फ्लो होता है, और अगर गलती से किसी का हाथ उस पार्ट को लग जाता है तो उसे बहुत बुरा शॉक लगता है। तो एक्चुअली BARE, बेयर मीन्स अनकवर्ड। तो ये जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इट इज़ द कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ताकि अगर हाथ लग जाए। बेयर, बी केयरफुल द वायर्स आर बेयर, ठीक है, इट मीन्स के वायर्स जो है वो अनकवर्ड है, इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। ओके, नंबर 14 देखें, बेयर, BEAR, बेयर क्या होता है आपको पता है, वाइल्ड एनिमल होता है, रीच जो होता है, अ बेयर इज अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। चलिए नंबर 15 देखें, बर्थ, बर्थ BERTH बर्थ, और एक बर्थ होता है BIRTH, BERTH बर्थ होती है ट्रेन में या शिप्स में, जो काउच होता है, टू ले डाउन एंड टेक रेस्ट, क्योंकि इफ़ द जर्नी इज़ लॉन्ग, अगर वो ज़्यादा घंटों का सफ़र है तो आप बैठे तो नहीं रह सकते, कितनी देर बैठे रहेंगे, इसलिए ऐसे जर्नीज के लिए काउच बने हुए होते हैं ट्रेन्स में और शिप्स में, ताकि व्हेन यू गेट टायर्ड यू मे ले डाउन एंड टेक रेस्ट। बर्थ BERTH बर्थ, आई गॉट द बर्थ रिजर्व्ड टू हैव अ कम्फर्टेबल जर्नी, यानी मैंने एक बर्थ रिजर्व कराई, रिजर्व का मतलब होता है उसके लिए टिकट खरीदना, उसको बुक करना, ठीक है ना, मैंने एक बर्थ रिजर्व कराई टू हैव अ कम्फर्टेबल जर्नी, ताकि मैं एक आरामदेह सफ़र के लिए, आई गॉट द बर्थ रिजर्व्ड टू हैव अ कम्फर्टेबल जर्नी। नंबर 16, बर्थ BIRTH बर्थ, इसका मतलब क्या है, पैदाइश, BIRTH बर्थ का मतलब है पैदाइश। द होली प्रॉफिट्स फादर डाइड 6 months बिफोर हिज बर्थ, ये हम सबको पता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद उनकी पैदाइश से 6 महीने पहले वफात पा गए थे, ठीक है। BIRTH बर्थ का मतलब क्या है, पैदाइश, ठीक है। बर्थ, द होली प्रॉफिट्स फादर डाइड 6 months बिफोर हिज बर्थ, ठीक है। ओके, नंबर 17 देखें बेटे, बिसाइड, बिसाइड का मतलब क्या है, साथ साथ, जैसे बिसाइड बराबर बराबर, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आपका घर है और आपके नेबर्स का घर जो है वो बिसाइड, योर नेबर्स हाउस इज बिसाइड योर हाउस, ठीक है। द ग्रोसरी स्टोर इज बिसाइड अवर स्कूल बिल्डिंग, अब यह आपको पता है हमारे स्कूल की बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में एक स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। तो बिसाइड यानी साथ साथ, द ग्रोसरी स्टोर is beside our school building, बराबर में, grocery store जो है वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग के बराबर में है। नंबर 18 देखिए बेटे, besides, इसका मतलब है अलावा, ठीक है, यानी किताबें पढ़ने के अलावा मुझे मूवीज देखने का भी शौक है, besides, अलावा, फर्क क्या है beside और besides में, इसमें एक एस लगा हुआ है एंड में, मगर इस एक एस लगने की वजह से उसके मीनिंग्स में बहुत बड़ा फर्क आ गया। बिसाइड्स रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने के अलावा, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन राइटिंग स्टोरीज, मुझे कहानियाँ लिखने का भी शौक है। बिसाइड्स रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने के अलावा, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन राइटिंग स्टोरीज, मैं किताब कहानियाँ लिखने का मैं भी दिलचस्पी रखता हूँ।
ठीक है. नंबर 19 देखिए, नंबर 19 है बेटा ब्रेक, बी आर ए के ई ब्रेक. ये ब्रेक कौन सा होता है? जो गाड़ी की ब्रेक होती है या साइकिल की ब्रेक होती है, बाइक की ब्रेक होती है, ब्रेक ये वो वाला ब्रेक है, बी आर ए के ई ब्रेक. आई अप्लाइड द ब्रेक्स टू सेव द चाइल्ड. मैंने ब्रेक्स लगाई ताकि मैं उस बच्चे को बचा सकूं. आई अप्लाइड द ब्रेक्स टू सेव द चाइल्ड. नंबर 20 ब्रेक, बी आर ई ए के ब्रेक. टूट जाना. डू नॉट ब्रेक द रूल्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली. रूल्स को मत तोड़ें, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली और हिदायत पे सही तरीके से अमल करें. डू नॉट ब्रेक द रूल्स, follow the instructions properly. ठीक है. अच्छा बेटे, ये वाला काम आपने आई होप मेरे साथ बुक में कर लिया है, लेकिन ये काम आप लोगों ने लूज शीट पर भी करना है. अपने होमवर्क का पार्ट है आपके, लूज शीट पे करके और वो वाली शीट आपने अपने होमवर्क के साथ अटैच करनी है. ठीक है बेटा. और आपको सिलेबस भी मिल गया. आपको पता है ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो हैं कि आपके सिलेबस में, जो आपके फर्स्ट में से एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी इंक्लूडेड हैं. चले मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ, किसी का कोई काम अगर रह गया है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, कोई सेंटेंस अगर रह गया है तो उसे कंप्लीट कर लें बेटा. एंड प्लीज़ रेज योर हैंड ऑल दोज़ हु हैव कंप्लीटेड दिस पेज. यहाँ तक हो गया है. चले इसके बाद ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट यू शुड हैव ऑल दिस वर्क विद यू. अच्छा, यहाँ तक सबका काम 20 सेंटेंसेस सबके कंप्लीट होने चाहिए. कल के लिए आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप ये तमाम मीनिंग्स जो मैंने इसके आपको समझाए हैं, पहले मैंने आपको सुबह की क्लास में मीनिंग समझाए थे, उसके बाद अब जब मैंने सेंटेंसेस बताए तो मीनिंग्स दोबारा समझाएँ. आई होप आपको सबको समझ आ गए होंगे. अगर आपको कोई भी मीनिंग समझ नहीं आया तो वो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. मगर उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ. इसके बाद ऑन पेज नंबर 17 आप देख सकते हैं, पेज नंबर 17 पे आपके पास इसी पेयर्स ऑफ वर्ड्स की एक एक्सरसाइज है. ये एक्सरसाइज हम कल करेंगे. अच्छा, ये एक्सरसाइज मैंने आपको नहीं करवानी, आप लोगों ने मुझे खुद इसके आंसर्स बताने हैं. मीनिंग्स अगर आपको पता होंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए इनको सॉल्व करने में. ठीक है, देखें ये एक्सरसाइज किस तरीके से है कि सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. ये सेंटेंसेस वो नहीं हैं जो आपके पास बुक में बने हुए हैं, या वो भी नहीं हैं जो आपने बुक में बनाए हैं. ये एक तीसरा सेंटेंस है. ठीक है, कोई बात नहीं. अनटिल एंड अनलेस यू नो द मीनिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी सेंटेंस हो. अच्छा, आपको क्या करना क्या है, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है और पेयर ऑफ वर्ड्स के दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं. अगर आपको इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग्स मालूम है तो यू कैन इजीली पिक द राइट वर्ड टू फिल द ब्लैंक. तो आपका काम क्या होना चाहिए, दैट यू शुड नो द मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. ठीक है, कल इंशाल्लाह ये वाली एक्सरसाइज हम करेंगे. इसके साथ आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की लास्ट टू एक्सरसाइजेस रहती हैं, वो भी हमने कंप्लीट करनी है, वो हम करेंगे. तो इसलिए बेटे आपने इसको पहले कंप्लीट कर लेना है. ठीक है ना, कल इंशाल्लाह हम ये काम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम अपना जो है वो बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी कंप्लीट करेंगे.